और आइए हमारे मुशायरों की परंपरा रही है, हम लोग कोई मुशायरा या कवि सम्मेलन करते हैं तो सबसे पहले नाते पाक से उसकी शुरुआत करते हैं। हमारे मंच पे जितने भी शायर हैं हम किसी को नाते पाक के लिए दावत दे सकते हैं, लेकिन मालेगांव की सरजमी से पधारे देश के बड़े शायर भाई अल्ताफ जिया साहब हमारे बीच में है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि माइक पर आए और नाते पाक से इस मुशायरे की शुरुआत करें। आप लोगों की एक बार जोरदार तालियां आमंत्रित करें। और मैं आपको बता दूं, आप लोग शायरी पे कविता पे ताली बजा सकते हैं, लेकिन जितनी देर तक नाते पाक पढ़ी जाएगी, नाते पाक पेश की जाएगी, आप लोग वाह वाह करेंगे, सुभान अल्लाह करेंगे, बीच में ताली बजाने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं फिर से आमंत्रित करता हूं भाई अल्ताफ जिया साहब माइक पर। भाई विकास बोखल साहब का बहुत मशकूर ममनून हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मुशायरे का आगाज नाते परवर कौनैन से कर सकूं। सिरोंज वालों, आपकी दुआओं से पूरे हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान के बाहर रोज कहीं ना कहीं हम मुशायरा पढ़ते हैं, लेकिन जब सिरोंज का नाम हमारी समाज तक पहुंचता है, हमारे कान तक पहुंचता है, सिरोंज के मुशायरे की खबर जब हमें आती है तो जी खुश हो जाता है, आपसे मिलने के लिए जी तड़प जाता है और हम आपसे मिलने आ जाते हैं। ख़ास तौर से जिस जगह नसीम खान जैसे लोग बसते हों, जिसके दिल में गरीबों का दर्द है, गरीबों की हमदर्दी है, जहां ऐसे लोग बसते हों, उस बस्ती में जाने को बार बार जी चाहता है। मैं चाहूँगा कि इससे कबल के मैं नाते सरवर कौनैन से इस मुशायरे का आगाज़ कर सकूँ, पूरे सदन से, पूरे मजमे से, पूरी महफिल से मैं एक 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 आवाज़ बुलंद देखना चाहता हूं। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि नसीम खान साहब के लिए पुरजोर तालियां बजा के उन्हें ये विश्वास दिलाएं, भरोसा दिलाएं कि आप उन्हीं के साथ हैं। मैं यहां से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। मुझे नाते पाक पढ़ने के लिए बुलाया गया है, मैं नात पढ़ता हूँ और पहले ही मतले से मुझे ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पर आशिक रसूल भी मौजूद हैं। पेश करता हूँ। जो नबी से मेरे आशना हो गया, 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 उसका दिल आईना, उसका दिल आईना, आईना हो गया, उसका दिल आईना, आईना हो गया, जो नबी से मेरे आशना हो गया। कह रहा है खुदा खुद ये कुरान में, सुनिएगा आप, कह रहा है खुदा खुद ये कुरान में, खुद ये कुरान में कह रहा है खुदा, कह रहा है खुदा खुद ये कुरान में, जो नबी का हुआ, जो नबी का हुआ, जो नबी का हुआ वो मेरा हो गया, जो नबी का हुआ, जो नबी का वो मेरा हो गया, जो नबी से मेरे आशना हो गया, उसका दिल आईना, आईना हो गया, जो नबी से मेरे आशना हो गया। और बिलखुसूस ये शेर पेश कर रहा हूँ, विकास बोखल साहब मौजूद हैं, मैं उनकी दुआ चाहता हूँ। मेरे बहुत ही मोहतरम हम सब के मोहतरम सैफी सिरोंजी साहब यहाँ मौजूद हैं। मेरी खुशकिस्मती कि मैं उनके सामने अपना कलाम पढ़ रहा हूँ। मेरा छोटा भाई अली बैठा है। इस शेर पर मैं तमाम लोगों की ताईद चाहूँगा, मोहब्बतें चाहूँगा, दुआएं चाहूँगा।
पेश करता हूँ मुलाजा। जो नबी से मेरे आशना हो गया, उसका दिल आईना आईना हो गया, उसका दिल आईना आईना हो गया। जो नबी से मेरे आशना हो गया, मेरे आका के क्या हो गया भैया? ये उसका दिल आईना आईना हो गया। सुने मेरे आका के कदमों की अजमत है ये, कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरे आका के कदमों की अजमत है ये, मेरे आका के कदमों की अजमत है ये, मेरे आका के कदमों की अजमत है ये। जिस तरफ चल दिए, जिस तरफ चल दिए, जिस तरफ चल दिए रास्ता हो गया, जिस तरफ चल दिए, जिस तरफ चल दिए रास्ता हो गया। जो नबी से मेरे आशना हो गया, उसका दिल आईना आईना हो गया। जो नबी से मेरे आशना हो गया। सुबूर भाई, मैं आपकी भी दुआएं चाहता हूं और ये शेर आपके हवाले से पढ़ता हूं। मुलाजा फरमाए, उसका दिल आईना आईना हो गया, उसका दिल आईना आईना हो गया। मौजज़ा है अजब आपके हुस्न का, आपके हुस्न का मौजज़ा है अजब, मौजज़ा है अजब आपके हुस्न का। अगर ऐसा है जैसा मैं कहने जा रहा हूं तो कोई भी बंदा खामोश न रहे। पेश करता हूं, मौजज़ा है अजब आपके हुस्न का, मौजज़ा है अजब आपके हुस्न का। जिसने देखा वही, जिसने देखा वही, जिसने देखा वही आपका हो गया, जिसने देखा वही, जिसने देखा वही आपका हो गया। जो नबी से मेरे आशना हो गया, उसका दिल आईना आईना हो गया। नसीम भाई, ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए, अल्लाह करे कि आपकी हर वो तमन्ना पूरी हो जाए जो आपके दिल में है। मैं ये शेर आपके हवाले से इस महफिल की नज़्र करना चाहता हूँ। मुलाजा फरमाए, जिस घड़िया अर्शे मुअल्ला गए, जिस घड़िया अर्शे मुअल्ला, जो आप काम कर रहे हैं इससे बेहतर है ही नहीं जो मैं कर रहा हूँ। मैं जो बार बार आपसे मुखातिब हो रहा हूँ इसकी वजह सिर्फ यही है कि आप ये जो नात का सिलसिला जारी है बोखल साहब, ये मुलतवी हो उसके बाद आप प्रोग्राम बनाए। नसीम भाई के हवाले से मैं ये शेर पढ़ने जा रहा हूँ, आप जरा सा गौर फरमाएं और आप सब भी तवज्जो से सुने। अगर एक एक लफ्ज इस शेर का सच्चा हो तो एक एक फर्द शरीक हो जाए। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएं, जो नबी से मेरे आशना हो गया, जिस घड़ी आप अर्शे मुअल्ला गए, जिस घड़िया पे अर्शे मुअल्ला गए, जिस घड़िया पे अर्शे मुअल्ला गए, नूर से नूर का, नूर से नूर का, नूर से नूर का सामना हो गया, नूर से नूर का, नूर से नूर का
सामना हो गया, नूर से नूर का सामना हो गया, जो नबी से मेरे आशना हो गया। नसीम भाई, आपका ये शेर आपके हवाले हो रहा है, पेश कर रहा हूँ मुलाजा फरमाएं। आप आए तो दुनिया मुनव्वर हुई। पूरा मजमा मेरे इस शेर पर मुझे अपनी दुआओं से नवाजेगा भी और रुखसत भी करेगा। आप आए तो दुनिया मुनव्वर हुई, आप आए तो दुनिया मुनव्वर हुई, आप आए तो दुनिया मुनव्वर हुई। मैं भी अल्ताफ से, मैं भी अल्ताफ से, मैं भी अल्ताफ से अब जिया हो गया, मैं भी अल्ताफ से अब जिया हो गया, जो नबी से मेरे आशना हो गया, उसका दिल आईना हो गया, उसका दिल आईना आईना हो गया, जो मुहम्मद की ताज़ीम करता नहीं। आखिरी शेर, जो मोहम्मद की ताज़ीम करता नहीं, जो मोहम्मद की ताज़ीम करता नहीं, जीत जी वो समझ लो फना हो गया, जीत जी वो समझ लो फना हो, जीत जी वो समझ लो फना हो गया, जो नबी से मेरे आशना हो गया, आईना 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 हो गया, जो नबी से मेरे आशना हो गया।